नमस्ते दोस्तों, जगदम्बा नंदन शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने किचन में ड्राई शिमला मिर्च पनीर बनाने जा रही हूँ और मैं उसे कैसे बनाऊँगी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अपने मैं इस चैनल के माध्यम से और अच्छे रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं। कुछ अलग और डिफरेंट देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए आगे के प्रोसेस को देखते हैं। ड्राई पनीर शिमला मिर्च के लिए मैंने लिया है 2 शिमला मिर्च, 8 कली लहसुन की कलियां, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 250 ग्राम पनीर, धनिया पत्ती कटी हुई 1 कटोरी, 3 छोटे टमाटर, 2 प्याज, इनको हमें फाइनली चॉप्ड कर लेना है, बारीक काट लेना है, एक हरी मिर्च जिसको बीच से काटना है, आधा नींबू। मसालों में हम देखते हैं क्या लिए हैं। कसूरी मेथी, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और खाना बनाने के लिए सरसों का तेल। अब हम सारी सामग्रियों को काटते हैं। ये मेरी सारी सामग्रियाँ कट गई हैं, पनीर छोटे पीस में कट गए हैं, प्याज फाइनली चॉप्ड हो गए हैं महीन, अदरक लहसुन जो मैंने लिया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे कूच लिया है पेस्टल में, शिमला मिर्च के लंबे लंबे टुकड़े मैंने काट लिए हैं और टमाटर भी फाइनली चॉप्ड हो गया है। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो, ऑलिव ऑयल हो या फिर कोई रिफाइंड ऑयल हो, आप उसे डालें। टेबल स्पून इस स्पून से हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो गया है, धुआं इससे निकल रहा है। अब हम इसमें 1 स्पून जीरा डाल देंगे। ये खड़ी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जो मैंने 8 लहसुन और 1/2 इंच अदरक लिया था। आप इसको 1 टेबल स्पून इसको कहते हैं, ये यूज़ होता है टेबल स्पून के लिए। टेबल स्पून मेजरिंग स्पून आप गूगल पे सर्च कर लें, 5 से 6 ग्राम आता है इसमें।
हमारा हो गया, लहसुन भी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में ना हो जाए सॉफ्ट। इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देंगे। हींग तड़के में ही डाला जाता है, मेरे ध्यान से उतर गया इस वजह से मैं अभी डाल रही हूँ। प्याज लाइट ब्राउन में टर्न हो गया है, आप कढ़ाई में देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधे छोटे चम्मच हल्दी, आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आपके घर में जैसा सभी तीखा खाते हों। मैंने इसमें 1 मिर्च ऑलरेडी हरी डाली है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, कसूरी मेथी, और इसको हम चला लेते हैं। दस सेकेंड चलाने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब तक मसाला तली से छोड़ने लगे और साइड से तेल ना निकलने लगे। ये होता है मसाले का अच्छे से भुन जाने का असली पहचान। तो हम इसको करते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्द सॉफ्ट हो जाएगा। नमक टू टेस्ट, आपके घर में जैसा सभी खाते हैं। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। हमारे मसाले हो गए हैं 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे कटी हुई और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसे हम ढक के रख देते हैं कुछ मिनट, 2 मिनट के लिए, ताकि साफ हो जाए अच्छे से। दो मिनट हो गए, हम देखते हैं अपना उठाकर। अभी शिमला मिर्च सोने में थोड़ा टाइम है, ये जब तक अच्छे से हो ना जाए, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम टेंडर हो जाए, मुलायम हो जाए, उसके बाद हम इसमें आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से सौते करेंगे। ये शिमला मिर्च भून गया है और तली से तेल भी छोड़ रहा है, मसाला ये छोड़ दिया है, तली छोड़ दिया है। शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गया है ये। अब हम इसमें डाल देंगे जो कटी हुई पनीर है, इसको हम डाल देंगे। मैं ग्रेवी वाली शिमला मिर्च पनीर नहीं बना रही हूँ, ड्राई शिमला मिर्च पनीर बना रही हूँ, इसलिए इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और
इसको 2 मिनट के लिए इस तरह चलाकर हमारा ड्राई शिमला मिर्च पनीर तैयार हो गया है। अब इसमें हम आधे नींबू का भी थोड़ा सा निचोड़ देंगे, 8-10 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 टमाटर इसमें पड़े हुए हैं, ये बहुत खट्टा हो जाएगा। इसको चला लेंगे एक बार, मसाले पनीर में भीग गए हैं, बहुत ज़्यादा पनीर को भूनना नहीं चाहिए, नहीं तो ये टाइट हो जाते हैं। ये हो गया है, अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। और ये आपके सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। हमारी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं, अपने परिवार वालों को खिलाएं और बताएं कि कैसा बना है। अच्छा बना हो तो आप अपना कमेंट अवश्य दें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।